हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की बिटकॉइन अपडेट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस बिटकॉइन अपडेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे बिटकॉइन के ईएमए के बारे में, डोमिनेंस के बारे में, एक्सबीटी के जो चार्ट, ये जो मैं आपको बता रहा था वीकली प्राइस एक्शन के बारे में, और चाइना के जो एवरगार्ड का जो इन डेप्ट क्राइसिस आ रहा है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। $300 बिलियन का जो डेप्ट क्राइसिस है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। सबसे पहले तो मैं इस न्यूज़ के बारे में ही कवर कर लेता हूँ। आप पहले टेलीग्राम पे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। टेलीग्राम पे मैं ये सब न्यूज़ आप लोगों को टाइम से बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ, जिससे आप सेफली रह सकते हो। एवरग्रांड वॉज ड्यू टू पे 83 मिलियन ऑफ इंटरेस्ट ऑन थर्सडे को देना था, और डिनोमिनेटेड बॉन्ड दैट सेट टू मैच्योर इन बॉन्ड्स आर टाइपिकली हेल्ड बाई फॉरन इन्वेस्टर्स। इवन इफ नो पेमेंट इज मेड ऑन थर्सडे द कंपनी विल नॉट टेक्निकली डिफॉल्ट अनलेस इट फेल्स टू मेक दैट पेमेंट विद इन 30। तो 30 दिन मिलेंगे उनको फिर भी। अभी नेक्स्ट में कल तो बात हुई है कि कुछ पेमेंट इन्होंने कर दिया है, बट अगले जो कुछ हफ्ते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बिटकॉइन के लिए भी और पूरी मार्केट के लिए फाइनेंशियल एज एन होल। अगर हम सबसे पहले चार्ट के ऊपर चले अपने, तो ये वाले चार्ट की डिस्कशन कर लेते हैं। डोमिनेंस जो है बिटकॉइन की, उसमें क्या हमको देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का डोमिनेंस का जो डेली चार्ट है वो मैं अगर मैं आपको बताऊं, तो डेली चार्ट में आप देखोगे यहाँ पर एक छोटी सी डोची बनी थी, डोची, तो यहाँ से इसके बाद एक थोड़ा सा ग्रीन कैंडल है, तो थोड़ा बहुत डोमिनेंस उठा है। ऑल्ट कॉइन्स थोड़े बहुत रैक्ट भी हुए हैं और नीचे आए हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बट देखना ये है क्या डोमिनेंस कहाँ पर, कहाँ तक रहती, कहाँ से ऊपर जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। डोमिनेंट यहाँ से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एक जगह है 40 को इसने बहुत ही मजबूत सपोर्ट बना दिया है, जिससे ये नीचे जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसका हम लोग चाहते हैं कि इससे नीचे ये आए, जब ये नीचे आएगा तो हमारा फ़ायदा होगा, ठीक, इसका नीचे आने से ही हमारा फ़ायदा होगा और इसके ऊपर जाने से हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हमारे ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये वीकली ईएमए के बारे में, ज़रा देख लेते हैं वीकली ईएमए में क्या हो रहा है। अगर मैं ये वीक पे करूं, और वीकली जो 20 ईएमए के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जब भी टूटी है पिछले इतिहास में, तब एक बड़ा क्रैश आता रहा है। तो ये पिछली बार का हो गया, ईएमए टूटी थी, और ये यहाँ का हो गया, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर भी बताया था, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो फ़िलहाल के लिए हमारी जो कैंडल है वो थोड़ी सी ऊपर इस वीक की। ये वीक क्यों इम्पोर्टेंट मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये वीक में हम एकदम इसी ईएमए पे बैठे हुए हैं, और इस ईएमए के हमें ऊपर जितना चाहे ऊपर क्लोजिंग करनी है। तो आप देखोगे कि अभी करेंटली तो हम ऊपर हैं थोड़े बहुत, ठीक, करेंटली तो हम लोग थोड़े बहुत ऊपर हैं, ठीक, ये वाला हम ऊपर है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये जो टोटल है करेंटली ये 43,000 से एटलीस्ट ऊपर हो, जैसे जो कि 43,000 की लाइन ये, हम एटलीस्ट इससे ऊपर क्लोजिंग करें अपनी इस हफ्ते की, तो ही हमारे लिए एक बेहतरीन मौका आएगा नेक्स्ट बुल रन का, नेक्स्ट एक छोटे से टॉप का, एक और टॉप हमें मिल सकता है। बट अगर इसको होल्ड नहीं करता 43,000 को नीचे आता तो भी नुकसान है हमारा। कैसे हो सकता है, अगर मैं आपको वीकली की जगह मंथली दिखाता हूँ, अगर आपको मंथली दिखाऊं तो ये मंथली कैंडल्स हैं हमारी, मंथली कैंडल को भी आप अगर देखोगे तो बीरिश लगने लगेगी अगर हम 43,000 से नीचे आएँ, क्योंकि 43,000 ये पिछली कैंडल का हाफ का अगर हम लेके चलें तो 43 से नीचे इसको जाएगा तो ये बीरिश वाली बन जाएगी कैंडल स्टिक, और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत क्रैश देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये ऐसे देखने पे एक मंथली करेक्शन लग रहा है हल्का सा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सितंबर का महीना हमेशा से बिटकॉइन के लिए एक ख़राब महीना ही रहा है छोटे मोटे करेक्शन के साथ साथ। तो बिटकॉइन को लेकर अगर नेक्स्ट हम चीज़ की बात करें तो ये है ईएमए बैंड, ईएमए रिबन जिसको हम कहते हैं। तो रिबन में अगर आप देखोगे, रिबन का क्रॉसओवर हमें शायद देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। कैसे मिल सकता है, अगर हम डेली का चार्ट खोलें तो डेली में अगर आप देखोगे तो हमें क्रॉसओवर जल्दी देखने को मिल सकता है। आप देखोगे जब जब ईएमए बैंड, ईएमए रिबन यहाँ पे पास आया इस एरिया पे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंटम पकड़ा है प्राइस ने। तो इस जगह पर आप देखो, इस जगह पर प्राइस ने एक ना कोई मोमेंटम पकड़ा ही था यहाँ पर, आप देखो
इस एक जगह पर देखो, यहाँ से हमने एक अच्छी खासी रैली ऊपर की ओर की, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा था। तो वॉल्यूम और इस EMA बैंड को अगर हम मिला दें तो अच्छा खासा इंडिकेटर हमें मिल जाता है एक अच्छा खासा। अगर मैं आपको इससे पहले वाला दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम डाउनवर्ड की ओर थी, बहुत ही बेरिश थी, यहाँ पर इस जगह पर फिर से क्रॉसओवर हुआ था और हम नीचे क्रैश कर गए थे। ये था हमारा मई का क्रैश, ठीक। और जब जब ये क्रॉसओवर हुआ है EMA का तो ख़तरनाक चीज़ होती है, जितना ये फैलता है उतना ज़्यादा यहाँ पर हमारे लिए स्ट्रेंथ होता है मार्केट का, लेकिन जितना ये पास आता है उतना हमें ये पता चलता है कि रिसेंट में कोई बड़ा मूव आने वाला है। तो बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसमें इस EMA बैंड में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और ये जो EMA बैंड है ये देखिए आप कि ये रेजिस्टेंस बना हुआ, तो इससे लुढ़क के हो सकता है प्राइस नीचे आए, ठीक। कहाँ तक आएगा, कितना आएगा, ये हम लोगों को देखना होगा अगले वीक में। लेकिन फिर भी ये जो EMA रिबन है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे ऊपर हमें आना चाहिए अगर यहाँ पर नीचे वॉल्यूम देखने को मिलता है। पहली चीज़ हमें वॉल्यूम चाहिए अच्छी खासी। अब कुल मिला के समअप कर लेते हैं जो मैंने अभी तक बताया। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, वीकली EMA 20 वाली वो क्लोज़ हो जानी चाहिए हमारी कितने पे, 43,000 से ऊपर। दूसरी चीज़ है मंथली जो कैंडल है यानी सितंबर के महीने के ख़त्म तक ये कैंडल जो बन रही है मंथ की सितंबर की, ये भी 43 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है जो कि अभी तक लग रही है, 44,790 प्राइस चल रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन किया और मुझे लग रहा है होल्ड कर भी लेंगे यहाँ पर हम लोग, बस थोड़ा सा बोरिंग फेज़ है, हो सकता है अक्टूबर में हमें अच्छी खासी एक रन देखने को मिले। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि हमें एक वॉल्यूम चाहिए, कुल मिला के BTC को जो बचाएगा वॉल्यूम कैसे आएगा, जब एक अच्छी खासी न्यूज़ या डिमांड बढ़ेगी। तो बिटकॉइन पर कुछ अच्छा या कुछ बुलिश न्यूज़ आएगी, जैसे पिछली बार का जो था वो एल सेल्वाडोर का हो गया और भी कई सारी चीज़ें, बी वर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन सब चक्करों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड बढ़ी थी और कई लोग नए आए थे। तो हमें यही चाहिए कि बिटकॉइन को यहाँ से अगर ऊपर रखना है, इसी EMA बैंड से EMA रिबन से ऊपर जाना है, और या फिर आप कहोगे कि बाकी ये 20 EMA को होल्ड करना है, मंथली कैंडल होल्ड करना है, तो इससे ऊपर रहना चाहिए। तो क्या हमने सीखा इस वीडियो में, इस वीडियो में हमने ये सीखा कि एक अच्छी एक बड़ी खबर जो बिटकॉइन को यहाँ पर बचा सकती है और उसकी बुलिश जब खबर होगी तो काफ़ी फ़ायदा होगा हमें, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि वॉल्यूम हमें चाहिए, तो वॉल्यूम कैसे आएगा, वैसे ही आएगा जब हाइप बनेगी। हाइप कैसे क्रिएट होगी, जब कोई अच्छी बड़ी खबर आएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो चाइना का एवरग्रांड क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाए हमारे पास, वो अगर ख़त्म होगा तभी हमारा कुछ अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मुझे आपको बताएं वो यही, वीकली जो मंथली क्लोजिंग है वो कब होगी, जब स्ट्रांग होल्डर जो होंगे वो अपने कॉइन्स को लॉस पे नहीं बेचेंगे या फिर अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे जो पहले जो लोग लिए हैं। तो होल्डर्स ही हमें यहाँ पर बचा सकते हैं, होल्डर्स ही लॉन्ग टर्म के लिए अभी पकड़े हुए हैं। तो फिलहाल के लिए प्राइस इसी रेंज में रुकी हुई है तो एक अच्छी चीज़ है, और यही बिटकॉइन की अपडेट। आई होप आपको पसंद आई, अगर आपको पसंद आई प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, टेलीग्राम से जुड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।